हेलो बच्चों, दिस इज काजल फ्रॉम सृजन का संकल्प। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था चैप्टर 14 लेवर लूज होप। ठीक है, हमने इसका चैप्टर का टाइटल अच्छे से समझा था एंड रिलेटेड टू द डेड वेरी स्टोरी आल्सो वी हैव लर्न। ठीक है, अब नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस वेरी चैप्टर। एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब लोग सबसे पहले ये एक्सरसाइज, ये बुक तो सबके पास ही होगी, आप लोगों के पास रेनबो। तो ये क्वेश्चन आंसर इसमें दिया है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसा आप लिखा हुआ है कि हाउ ओल्ड वॉज अनमोल। तो अनमोल कितने साल का, क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगी बिकॉज आपके पास ऑलरेडी बुक है, सिर्फ मैं आंसर लिखूंगी। तो ए का फर्स्ट का ए, तो हाउ ओल्ड वॉज अनमोल, अनमोल कितने साल का था इसका मतलब है। तो आंसर हो जाएगा अनमोल वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। अब आ जाएगा अनमोल कितने साल का था, 10 साल का था। सेकंड आ जाएगा वाई वॉज अनमोल अपसेट। ठीक है, अपसेट का मतलब होता है उदास। ठीक है, वाई वॉज अनमोल अपसेट, हमने पढ़ाया था कि अनमोल क्यों उदास था। अनमोल इसलिए उदास था कि ही वॉज सिलेक्टेड। ठीक है, अनमोल वॉज अपसेट बिकॉज ही वॉज फीलिंग नर्वस। ही वॉज फीलिंग नर्वस। ठीक है, उसको नर्वस फील हो रहा था, क्यों, एज ही वॉज सिलेक्टेड फॉर दी इंटर स्टेट स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। ठीक है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन एंड द कॉम्पिटिशन वॉज गोइंग टू बी वेरी टफ। ठीक है, ही वॉज थिंकिंग, ऐसा जरूरी नहीं है कि द कॉम्पिटिशन वॉज गोइंग टू बी वेरी टफ। अनमोल वॉज अपसेट बिकॉज ही वॉज फीलिंग नर्वस, उसको नर्वस फील हो रहा था, एज ही वॉज सिलेक्टेड फॉर द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन एंड द कॉम्पिटिशन वॉज गोइंग टू बी वेरी टफ। देखो बेटा, हम इसका आंसर एक वर्ड में भी दे सकते हैं या एक सेंटेंस में दे सकते हैं, लेकिन क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और वो पूरा उसका रीज़न बताना, ठीक है, वो होता है एक कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो इट नेवर मैटर्स कि वो एक लाइन का है, दो लाइन का है, इट नेवर मैटर्स, बट द मैटर थिंग इज दैट इट शुड बी कंप्लीट। ठीक है, फाइन, इट शुड बी कंप्लीट विद गिविंग द कंप्लीट रीज़न। ओके, ये हो जाता है। अब आ जाता है हमारा सी वाला हो जाता है। अब लिखा है वॉट वॉज द आंट कैरियंग। अब देखो, इसका जिसका आंसर छोटा है वो छोटा ही है। आंट वॉज कैरियंग ग्रेन ऑफ सुगर, चीनी लेकर जा रही थी वो। ठीक है, ग्रेन ऑफ सुगर, डी आ जाता है हमारा। वॉट लेसन डिड अनमोल लर्न फ्रॉम दी आंट। अब अनमोल ने उस आंट, उस चीटी से क्या लेसन सीखा, ठीक है, क्या सीखा उससे। तो ही लर्न दैट वो इतनी छोटी होकर भी हार नहीं मान सकती। तो अनमोल लर्न दैट एज आंट, मतलब आंट चीटी की तरह, ही क्यों, क्योंकि बॉय है अनमोल, ही शुड नॉट लूज होप। ठीक है, उसको उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मान के कि कॉम्पिटिशन टफ ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन चार हो जाते हैं डी। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन ई, व्हाई डिड द प्रिंसिपल प्रेज अनमोल। अब ई वाला मैं ऊपर लिख देती हूँ, ई वाला क्वेश्चन है, व्हाई डिड प्रिंसिपल प्रेज अनमोल। देखो, प्रिंसिपल ने असेंबली में बुला के अनमोल की तारीफ क्यों की थी। तो प्रिंसिपल प्रेज अनमोल बिकॉज ही स्टूड सेकंड आया था वो, सेकंड इन दी कॉम्पिटिशन
फाइन, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से नोट डाउन इसको कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स पोर्शन में। अब लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। देखो चार वर्ड्स दिए हैं, रेस, स्पोर्ट्स, क्लैब्ड एंड होप, ठीक है। अब इन चारों को फिल करना है। फर्स्ट लिखा है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, मैंने पहले बता दिया, क्योंकि टू राइट क्वेश्चन इज टू वेस्ट आर टाइम और टाइम इज वेरी प्रीशियस, सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आर टाइम। टाइम नहीं वेस्ट करने वाले हम। वी प्ले वेरियस स्पोर्ट्स, इसका मतलब है हम, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स। कैसे? क्योंकि हम क्या प्ले करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, स्पोर्ट्स मतलब क्या होता है, खेलकूद। क्या होता है? खेलकूद। तो हम खेल ही तो प्ले करते हैं, खेलते हैं, ठीक है, गेम। अब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे क्या होता है, हम रेस को जीत जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ स्लो एंड स्टडी। लिटिल गर्ल जम्प्ड एंड क्लैप्ड देयर हैंड्स, लिखा है तो समझ में आ रहा है, तो सी में क्या हो जाएगा, क्लैप्ड हो जाएगा। अब डी में क्या हो जाएगा, वी शुड नॉट लूज होप डिफ़िकल्ट टाइम्स में। मैंने स्टार्टिंग बताया था कि लाइफ में हमेशा टाइम एक सा नहीं होता है, कभी अच्छा होता है और कभी बुरा होता है, तो होप आ जाएगा। तो ए बी सी डी यहाँ पे हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। अब आ जाएगा, ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, लैंग्वेज प्रैक्टिस। ये वैसे इसका चैप्टर का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ग्रामर पार्ट है, और मैंने आपको पढ़ाया भी है आर्टिकल, तो मैं आर्टिकल्स आपको करा दूंगी। ए एंड द डैश अ बॉय सॉ एलिफेंट, देखो एन हमेशा यूज होता है वॉवल के लिए, वॉवल ए ई आई ओ यू, और ए और द यूज होता है कॉन्सोनेंट के लिए, बट जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट मतलब जब आप किसी चीज़ को, मैंने अगर बोला कि दिस मार्कर, तो सिर्फ यही द मार्कर, तो मतलब द मार्कर, मैं इसी मार्कर की बात कर रही हूँ, भले ही 10 मार्कर रखे हूँ। अगर मैं बोलूँ कि अ मार्कर, तो वो 10 में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन अगर मैं द लगाती हूँ तो वो डेफिनेट हो जाएगा। पहला है ए वाला, अब है अब डैश बॉय शॉ, तो बॉय कोई भी बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ बॉय, ठीक है, क्योंकि कोई डेफिनेट नहीं है। तो ए नंबर में क्या आ जाएगा, पहला आ ए आ जाएगा। सॉ द एलिफेंट इन द जू, अब जू एलिफेंट भी कोई डेफिनेट नहीं बता रहा है, तो दूसरे नंबर में भी ए आ जाएगा, इन द जू, लेकिन जू क्या है, डेफिनेट है, क्योंकि एक ही जू के बारे में बात कर रहा है, तो द आ जाएगा। बी नंबर, आई टुक अम्ब्रेला वेन अम्ब्रेला, क्योंकि मेरे पास अम्ब्रेला है, तो मैं आई टुक अ अम्ब्रेला वैन आई वेंट फॉर, अब अम्ब्रेला है घर में, दो अम्ब्रेला भी हो सकते हैं, तीन अम्ब्रेला भी हो सकते हैं, तो उसमें कुछ ये तो नहीं कहा है कि लाल वाला या काला वाला, तो इसमें भी आ ही आ जाएगा। नहीं सॉरी, इट्स आ क्या है, इट्स अ वॉवल, तो वॉवल के लिए क्या होगा, यूज़ एन होगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, जैसे कि अभी मैं करने वाली थी, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो मिस्टेक नहीं होगा। वैन आई वेंट फॉर अ वॉक, तो इसमें आ जाएगा वॉक, आ जाएगा। सी आ जाएगा हमारा, वी आर गोइंग टू सी दाज, ये तो ताजमहल तो एक ही है, तो डेफिनेट है, 10 ताजमहल तो है नहीं है। डैश ओल्ड, तो ओ क्या है, वॉवल है, तो एन हो जाएगा। गिव मी आ फ्लावर, तो फ्लावर भी कोई डेफिनेट बात नहीं कर रहे हैं, ए हो जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन क्या है, एक ही है, तो द हो जाएगा, और ईस्ट भी एक ही है, तो ये भी द हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, लैंग्वेज पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ये चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज, इवन चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक्स्ट्रा भी करा दिया, दिस इज़ अ ग्रामर पोर्शन, दिस कम्स इनटू द ग्रामर पोर्शन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।